और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। आज आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति का ऐलान किया है, जिसमें ब्याज दरें जस की तस रखी गई हैं, यानी कि आम आदमी के लिए राहत की खबर नहीं है। आरबीआई ने ब्याज दरें वैसी ही रखी है, ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वीरेंद्र सिंह घुनावत इस वक्त हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, ये माना जा रहा था कि कुछ बदलाव संभव है, लेकिन ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं, आम आदमी के लिए कोई राहत नहीं। नहीं, बिल्कुल ये एक्सपेक्टेशन के तहत ही हुआ है कि आरबीआई जितने भी इकोनॉमिस्ट और एक्सपर्ट यही कह रहे थे कि शायद महंगाई दर आगे आने वाले दिनों में बढ़ सकती है, महंगाई के आंकड़े बढ़ सकते हैं, क्योंकि बेमौसम बरसात है और कई उन्होंने रीजंस दिए हैं जिसके कारण आने वाले दिनों में महंगाई बढ़ सकती है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने आज अपने इसी वित्तीय वर्ष के जो पहले मॉनिटरी पॉलिसी में ये फैसला लिया कि ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ये आम आदमी के लिए राहत की बात भी है और थोड़ी तो परेशानी वाली भी है कि कुछ बैंकों ने अपने जो काफी लोगों ने लोन ले रखा हो, घर के लिए लोन ले रखा हो या भी कार के लिए, उनके ब्याज दर कम नहीं किए थे कुछ बैंकों ने, तो उनके लिए शायद ये मौका होगा कि उनके ब्याज दर कम नहीं होंगे। लेकिन ये कुल मिलाकर अगर लेकिन जिनके बढ़ गए हैं तो उनके राहत की बात है कि और नहीं बढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आरबीआई ने अपने पहले वित्तीय वर्ष के पॉलिसी में ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया है। और इसके लिए तर्क क्या दिया गया है वीरेन? इसके लिए कहीं ना कहीं ये कहा गया है कि इन्वेस्टमेंट अभी भी इस देश में अभी भी एक सवालिया निशान बना हुआ है कि जितना कहा जा रहा है उतना कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा है देश में। कुछ ग्रोथ को लेकर चिंताएं जताई गई है, महंगाई दर को, इन्फ्लेशन को लेकर चिंता जताई गई, खासतौर पर खाद्य वस्तुओं को लेकर। तो कुछ चिंताओं को साथ में ध्यान में रखते हुए ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया गया। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर वाकई में आंकड़े अच्छे अगर आने वाले दिनों में आते हैं तो ही वो ब्याज दर कम कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए आपका। वीरेंद्र सिंह गुनावत हमें जानकारी दे रहे थे किस तरह से आरबीआई ने आज अपनी कर्ज नीति का ऐलान किया है, जिसमें ब्याज दरों में कोई कमी नहीं की गई है, ब्याज दरें जस की तस रखी गई हैं, यानी कि ईएमआई में आपकी कोई फर्क आने वाले वक्त में नहीं आने वाला है।